Joinery and types of joins. I, Anu Mathur, lecturer, Government Women's Polytechnic, Sanganer, will discuss about joinery and the types of joints in this lecture. As we all know, joinery एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक टिम्बर पीसेस को जोड़ा जा सकता है। वैसे तो किन्हीं दो वुडन पीसेस को जोड़ने के लिए हम ग्लू, नेल्स या स्क्रू का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर जॉइनरी का मेन पर्पस है कि हम जॉइंट को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनाएं, जिसे हम जॉइंट के माध्यम से बना सकते हैं। सो टुडे द स्टडी ऑफ जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जॉइनरी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन समझना चाहिए। पहला लेंथनिंग जॉइंट, दूसरा वाइडनिंग जॉइंट, तीसरा बेयरिंग जॉइंट, चौथा फ्रेमिंग जॉइंट्स, पांचवा कॉर्नर या एंगल जॉइंट्स और छठा ओब्लिक शोल्डर जॉइंट। लेंथनिंग जॉइंट। आज इस लेक्चर में हम लेंथनिंग जॉइंट व उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम ही बताता है, लेंथनिंग जॉइंट वह जॉइंट है जो कि दो वुडन मेंबर्स की लेंथ बढ़ाने के लिए काम में आता है। यानी कि हम दो छोटे वुडन मेंबर्स को आपस में जोड़कर उनकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और काम में ले सकते हैं। अब लेंथनिंग जॉइंट भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला लैप जॉइंट, दूसरा फिश जॉइंट और तीसरा स्काफ जॉइंट। लैप जॉइंट। लैप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि लेंथ बढ़ाने के काम में आता है, पर उसमें हम दोनों मेंबर्स को आपस में ओवरलैप करके बोल्ट व स्ट्रैप्स के माध्यम से जॉइन करते हैं। इस प्रकार के जॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल प्रोजेक्शन या कोई भी प्रकार का प्रोजेक्शन या डिप्रेशन हम वुडन मेंबर में क्रिएट नहीं करते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, हमने दो वुडन पीसेस को या दो वुडन मेंबर्स को आपस में ओवरलैप कर दिया है और बोल्ट्स के माध्यम से उनको आपस में जॉइन कर दिया है। ये जो ओवरलैप है हम सामान्यतः 3 से 4 टाइम्स रखते हैं हमारे क्रॉस सेक्शन का, यानी कि टिम्बर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका 3 से 4 गुना हमारा ये ओवरलैप ले लिया जाता है। यह ओवरलैप इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमारी लकड़ी कौन सी है, लकड़ी की शेयर स्ट्रेंथ क्या है, प्लस वो काम में कहाँ ली जा रही है। दूसरा फिगर अगर हम देखें तो इसमें हमने ट्रैप्स के माध्यम से दो टिम्बर के पीसेस को जॉइन किया है। इस तरह के जॉइंट में यू शेप के स्ट्रैप्स जो है वह काम में लिए जाते हैं और फिर ऊपर से एक सिंपल स्ट्रैप के माध्यम से उनको आपस में जॉइन कर दिया जाता है। यह भी एक प्रकार का लेंथनिंग जॉइंट ही है। यह दोनों प्रकार अलग अलग जगह पे काम में लिए जा सकते हैं, पर नॉर्मली हम इनको वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे हमको टेम्परेरी वर्क करना हो या फिर इस तरह के स्ट्रक्चर पे जहाँ ये जॉइंट काम में लिया गया है बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ रहा हो या फिर यह ना दिखे, यानी दिखने में यह अच्छा नहीं होने की या प्रेजेंटेबल नहीं होने के कारण इसको हम उन जगहों पर काम में लेते हैं जहाँ पे हमारा जॉइंट विजिबल ना हो। तो यह था हमारा लैप जॉइंट।
दूसरे प्रकार का लेंथनिंग जॉइंट है फिश जॉइंट। यह भी हमारा एक तरह का लेंथनिंग जॉइंट ही है, पर इस केस में हम दोनों वुडन मेंबर्स को आपस में एंड से एंड लाके मिला देते हैं और फिर इनको फिश प्लेट्स के माध्यम से आपस में बोल्ट की मदद से हम इनको जॉइन करते हैं। फिश प्लेट्स हमारी दोनों तरह की हो सकती हैं, वुडन और आयरन। पहले फिगर को अगर अपन देखें तो उसके अंदर हमने वुडन फिश प्लेट का को काम में लिया है। यह जो वुडन फिश प्लेट है इसकी लंबाई भी 3 से 4 गुना होती है हमारे वुडन सेक्शन की, ताकि यह दोनों वुडन पीसेस को जो आपस में एंड टू एंड मिले हुए हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर सके। फिर इनको बोल्ट्स के माध्यम से जो कि वुडन पीस में से होते हुए आप निकलते हैं, उनके माध्यम से इन फिश प्लेट्स को आपस में वुडन पीस के दोनों तरफ जॉइन कर दिया जाता है। दूसरे फिगर को अगर हम देखें तो इसमें हमने आयरन का फिश प्लेट काम में लिया हुआ है। इस केस में हमने बोल्ट्स तो लगाए हैं, पर अगर अपन देखें तो हम फिश प्लेट को घुमा के एक उसके अंदर एक फ्लैप सा बना के उसको वुड के अंदर भी इंसर्ट कर देते हैं। इस इंसर्शन की वजह से फिश प्लेट जो है वो पीसेस से बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाती है या जुड़ जाती है और दोनों पीसेस को आपस में हिलने नहीं देती है। तो इस प्रकार से हमारा फिश जॉइंट वुडन फिश प्लेट्स और आयरन फिश प्लेट्स की मदद से बनाया जा सकता है। तीसरे तरह का लेंथनिंग जॉइंट है स्काफ जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में हम नॉर्मली एक पीस के अंदर प्रोजेक्शंस बनाते हैं और दूसरे पीस में उसी तरह के डिप्रेशंस क्रिएट कर देते हैं। इन दोनों को करने के बाद, इन दोनों वुडन पीसेस को तैयार करने के बाद इनको आपस में एक दूसरे में बैठा दिया जाता है या फिट कर दिया जाता है। अब इनकी फिटिंग को और सिक्योर व स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेज पीसेस भी इनमें इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जो कि हमको यहाँ हमारे एलिवेशन में बहुत अच्छे से विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं कि एक वेज पीस के लिए एक अलग से इसमें इंसर्शन किया हुआ है और बोल्ट्स के माध्यम से भी हमने इन दोनों मेंबर्स को आपस में जॉइन कर रखा है। जब हमारा ओवरलैप थोड़ा ज़्यादा हो, लेंथ हमारे मेंबर्स की ज़्यादा हो या क्रॉस सेक्शन बड़ा हो, तो हम वेजेस दो जगह इंसर्ट कर देते हैं और इस जगह पे हम बोल्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरे तरीके के स्काफ जॉइंट में हम कुछ प्ले क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम एंगल पे भी हमारा लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से स्काफ जॉइंट जो है वो हम जहां हमको अपीयरेंस भी दिखानी हो और खूबसूरत भी दिखाना हो जॉइंट को, वहां हम स्काफ जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इनको नॉर्मली हम वुडन बीम्स और ट्रसेस जो हम बनाते हैं उसमें हम इसको ज़्यादातर काम में लेते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 तरह के लेंथनिंग जॉइंट आज इस लेक्चर में पढ़े, जो कि पहला था लैब जॉइंट, दूसरा था फिश जॉइंट और तीसरा है स्काफ जॉइंट। तो इस प्रकार से हमारा लेंथनिंग जॉइंट जो है वह 3 प्रकार से बनाया जा सकता है।